सीतापुर में प्रेम प्रसंग के चलते गोलियां चल गई, जिसमें चार लोग घायल हुए हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है, जिन्हें ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हथगोले भी बरामद किए हैं। पीड़ित का आरोप है कि कई बार थाने में शिकायत के बावजूद भी दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाना अटरी इलाके के सोनर तला गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। टिहरी गढ़वाल की कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा गांव के लोग इन दिनों बेहद परेशान हैं। यहां रेलवे की ओर से की जा रही ब्लास्टिंग के चलते लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने कीर्तिनगर उपजिलाधिकारी कार्यालय में हंगामा किया, जहां रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। ग्रामीण रामेश्वरी नेगी ने बताया कि रेलवे की ओर से सुबह शाम देर रात भी कभी भी ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे ग्रामीणों के मकानों में दरारें आने लगी हैं। उन्होंने बताया कि रात में सोना भी ग्रामीणों का मुश्किल हो गया है, बच्चे भी डर जाते हैं। ग्राम प्रधान अमित कुमार ने बताया कि वे कई बार रेलवे के अधिकारियों के पास ब्लास्टिंग की समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर उपजिलाधिकारी सोनिया पंत का कहना है कि उनके पास ग्रामीण समस्या को लेकर आए हैं, जिसको लेकर उन्होंने टीम गठित कर दी है। साथ ही रोस्टर के आधार पर ब्लास्टिंग की जांच की जाएगी, स्थानीय लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जी, अभी ग्राम प्रधान मलेथा के साथ कुछ लोग आए थे यहाँ पर, और उन्होंने अवगत कराया कि जो ब्लास्टिंग की जा रही है रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा, उनका कहना है कि उससे जो कंपन हो रहा है उससे दरारें भी आने का संभावना भी हो रही है, और उनका ये कहना था कि उनको यहाँ से निर्देशित किया जाए कि वो उसका जो ब्लास्टिंग का रेंज है उसे हल्का करें। तो हमारे द्वारा इस संबंध में तहसीलदार कीर्तिनगर को लेटर बनवा दिया गया है कि वे जा करके वहाँ पर जाँच करेंगे और रिपोर्ट हमें देंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिवस के लिए मैं एक रोस्टर तैयार कर रही हूँ। हाँ, रेलवे बहुत ब्लास्ट कर रहा है, इससे हमारे गाँव वालों को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, और कुछ परिवार मतलब कुछ आधा गाँव तो हमारा ऐसा है कि जो कि जब रात को ब्लास्टिंग करते हैं तो उनका ब्लास्ट, पहली बात तो ब्लास्टिंग का कोई टाइम नहीं है, रात दिन कभी भी किसी भी वक्त ब्लास्टिंग करते हैं, और इतनी भयंकर ब्लास्टिंग होती है कि आधी रात को लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है, फिर बच्चों को परेशानी होती हैं, कई लोग मरीज हैं उनको परेशानियाँ होती हैं, और जब इतनी बड़ी ब्लास्टिंग होती है तो पूरे मकानों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं कि मकान की छत गिरने की कगार पर हैं। सर, एक बार नहीं, कई बार हम शासन प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं और रेलवे वालों को भी ज्ञापन दे चुके हैं, जो कि हमने SDM साहब को कई बार, दो तीन SDM साहब बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं, उनको भी ज्ञापन देते देते थक गए हैं, और DM साहब को भी हमने लिखित में और पोस्ट करके भी दिया था, पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। ये रेलवे वाले रात भर ब्लास्ट कर रहे हैं, जिससे पूरा गांव क्षतिग्रस्त हो गया।